हेलो बच्चों गुड इवनिंग तो आज हम जो है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं और केमिकल बॉन्डिंग में जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं आज ये है कि हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइज तो जैसा कि आप सबको पता है कि केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाए या क्या हाइब्रिडाइजेशन है शेप क्या है स्ट्रक्चर क्या है तो केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो बेनिफिट है वो ये है कि हम इसके शेप के बारे में आइडिया लगा सकते हैं अगर वेस्ट थ्योरी भी पढ़ लें हम तो एग्जैक्टली exactly शेप बता सकते हैं इस पर क्वेश्चन हर साल आता है और ये इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने वाले हैं आज तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मोरिक्यूर तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहला स्टेप ये है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर अब पहला काम तो आप ये करें कि केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं उनको एक कॉपी में अलग से बना लें ताकि आपको बार बार उनको देखने से आपको स्ट्रक्चर्स याद हो जाए ठीक है मैं ये टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ आगे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली स्ट्रक्चर जो है केमिकल बॉन्डिंग में दो तरह के होते हैं एक स्ट्रक्चर हमारा होता है सिंपल और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स ठीक है सिंपल स्ट्रक्चर में उनको बोलता हूँ जिनको हम इजीली जो है रूल्स लगा के ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है ना मान लीजिए हमें याद नहीं है तो भी हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं जैसे फॉर दी एग्जाम्पल मैं लूँ अमोनिया का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं ठीक है लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है वो है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ बोरेक्स का एनाइन आपको हैविडाइशन पूछ लिया या इसकी शेप पूछ ली तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बोरेक्स के एनाइन का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा यू हैव टू मेमोराइज तो स्ट्रक्चर को मैं दो कैटेगरी में रखता हूँ एक जो याद करने वाले और एक जो हम बना सकते हैं बना सकते हैं हम सिंपल को और याद करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स को ठीक है तो मोर एन में कहूंगा कि आप सारे स्ट्रक्चर को एक कॉपी में अलग से बना के रखें और उनको बार बार देखते रहें ताकि वो मेमोराइज हो जाए आपको तो बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें फिर भी हम कुछ रूल्स देख रहे हैं कि हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ठीक है तो देखिए जब भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं सिंपल मोलिक्यूल का तो उसमें सबसे पहली चीज होती है सेंट्रल एटम ठीक है तो हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम ठीक है तो सेंट्रल एटम के लिए जनरल जो रूल है वो है कि इट इज लार्ज इन साइज ठीक है इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक है एंड इट इज लेस इन नंबर तो ये जनरल रूल है मतलब ऐसा नहीं है ये हमेशा फिट बैठेगा लेकिन जनरल रूल यही है कि इन एटम्स को हम जो है सेंट्रल एटम का नाम दे सकते हैं अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन कम्स ऑलवेज एट टर्मिनल पोजिशन ठीक है और हमेशा किससे जुड़ता है सिंगल बोन्ड से जुड़ता है ठीक है ऑक्सीजन अगर टर्मिनल पोजिशन पे आता है तो इट अटैचे विद डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बोन्ड

पर आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा कि अगर स्टेरिक नंबर टू है तो एस पी एन होगा थ्री में एस पी टू होगा फोर में एस पी थ्री होगा फाइव में एस पी थ्री डी होगा सिक्स में एस पी थ्री डी टू होगा और सेवन में एस पी थ्री डी थ्री होगा तो ये नंबर हमने याद कर लिया कि अगर हमें फोर आता है तो एस पी थ्री होगा तो कैसे स्टेरिक नंबर निकाला जाता है उसका सिंपल फार्मूला ये है कि स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम तो पहले तो आपने सेंट्रल एटम चुन लिया उसके आसपास कितने सिग्मा आ रहे हैं वो आपने काउंट कर लिए ठीक है नंबर ऑफ लोन है तो मैं एक से ले रहा हूं. मैंने लिया जीनोन तो स्ट्रक्चर बनाने के पहले हम एक टेबल याद रखेंगे ये मेरी टेबल जो है ये मैंने बनाई है यहाँ पे ये एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक ठीक है तो अगर हम इस टेबल में आगे बढ़ते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो लिथियम से स्टार्टिंग करना है मुझे वन बेरिलियम टू बोरोन थ्री फोर नाइट्रोजन फाइव ऑक्सीजन सिक्स फ्लोरिन सेवन और न्योनेट इसका मतलब इस पर्टिकुलर जो ग्रुप है इसमें मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी है इतनी है जितना ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है यानी कि कार्बन फैमिली के चार वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है तो चार बॉन्ड ये मैक्सिमम बना सकता है नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड ये पांच बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है इनफैक्ट नाइट्रोजन पांच नहीं बनाएगा लेकिन इसकी फैमिली की जो अदर मेंबर्स हैं जहां से थ्री पी स्टार्ट हो जाता है थ्री डी स्टार्ट हो जाता है वो बॉन्डिंग में ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं ठीक है तो मैं पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि जो जनरल इनकी वैलेंसी है जैसे ऑक्सीजन में सल्फर पे पहुंच जाए तो छह बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम क्लोरीन सात बना सकता है जीनोन जो है आठ बना सकता है तो ये नंबर आप याद रखें वन टू थ्री से लेकर एड तक ये हमें ध्यान रखना है ठीक है अब जैसा कि मैं एग्जाम्पल ले रहा था जीनोन तो मैंने सबसे पहला काम किया कि साइज ऑक्सीजन तो अगर कहीं भी जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया डबल बॉन्ड से ठीक है फ्लोरिन कहीं भी जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से तो हमने फ्लोरिन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया अब इस पूरे स्ट्रक्चर के दौरान मुझे ध्यान इलेक्ट्रॉन काम आ गए पहले तो वैलेंसी आठ बॉन्ड ही आठ इलेक्ट्रॉन है इसके पास ठीक है अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन काम में ले ली बॉन्डिंग में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा छह इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इनके साथ बॉन्डिंग में काम आ गए थे हमारे पास आठ एट में से सिक्स माइनस किया बचे दो इलेक्ट्रॉन अगर बच गए हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने एज ए लोन पेयर इसके ऊपर लगा दिया अब अगला काम क्या है आपका कि आप आसपास इसके जिनोन के आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड है हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है ठीक है ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है काउंट किया आपने तो फोर्थ सिग्मा इसके पास आपको दिखाई दिए ठीक है फोर्थ सिग्मा अगर आ आगे इसके पास ठीक है और लोन पेयर इसके पास वन है तो मिलाकर फोर प्लस वन ये नंबर बैठता है याद है टू थ्री फोर से लेके आगे मैंने लिख दिया है तो फाइव कोरिंग टू एसपी थ्री डी हाइब्रिडन तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मतलब मैं क्या कर दूंगा इसका हाइब्रिडाइशन बोल दूंगा एसपी थ्री डी अब आगे अब बात करते हैं इसकी शेप क्या होगी तो शेप के लिए आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा वी एस सी पी आर थ्योरी जो कि मैं किसी और लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो अभी हमने सीखा है कि हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आएगा थैंक यू